गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही है, ठीक है, चैप्टर 11 जो चल रहा था। इसमें देखिए क्या गिवेन है, इफ़ 1 माइनस कॉस बी, ठीक है, इफ़ 1 माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2/5, ये आपको गिवेन है, ठीक है। देन प्रूव दैट 25 साइन बी, मतलब 25 साइन बी है, फिर इंटू कितना है साइन बी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब LHS में ये है, ठीक। तो LHS को सॉल्व करेंगे, उसको हमको 4 लाना है, तो ये प्रूव हो जाएगा। देखिए तो इसमें पुट क्या क्या करना है, इसमें हमको साइन बी और कॉस बी का वैल्यू चाहिए। तो कॉस बी का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवेन है ना, हमको साइन बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवेन क्या है, गिवेन है 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कितना है 2/5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से सिर्फ कॉस बी का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो कॉस बी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए आप देखिए क्या करें, ये जो कॉस बी क्या है, माइनस में कॉस बी है ना, ये कॉस बी किस में है, माइनस में है। तो LHS वाला अगर उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा RHS में, और ये वाला क्या कर लीजिए, ये 2/5 को LHS में ला लीजिए। तो ये 1 तो LHS में ही है, ये 2/5 क्या है, प्लस में है, तो माइनस ला लीजिए तो कितना हो गया 2/5 इज इक्वल टू, ये कॉस बी माइनस है तो उधर गया तो कितना हो गया, प्लस में हो गया कॉस बी, मतलब कॉस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 हो गया, ठीक है। आप अपने तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप एलसीएम लेकर के इसको घटाइएगा, ठीक है, इसको जो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 देखिए एलसीएम लीजिएगा ना, तो 5 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस बी, ओके। तो 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3, तो 3/5 इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब कॉस बी का जो वैल्यू आ गया, कॉस बी का वैल्यू कितना निकल गया, 3/5 हो गया। अब यहाँ से हम साइन बी का वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि साइन बी का ये फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर रिलेशन में जो फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो साइन बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, कॉस स्क्वायर बी, ओके। तो यहाँ पर फिर 1 माइनस कॉस बी का जो वैल्यू है क्या, 3/5 है, और 3/5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आपको साइन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर में इसका एलसीएम लीजिएगा तो 25 होगा, ठीक है, और 25 माइनस 9, ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा 16 बाई 25 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4/5 निकल जाएगा, ओके। तो साइन बी का वैल्यू क्या निकल गया, 4/5, कॉस बी का वैल्यू क्या निकल गया, 3/5 जो यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए आ जाएगा, ओके। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ से हम LHS लेते हैं, ठीक है, LHS में क्या है आपको, LHS में है 25 साइन बी, ओके, इंटू साइन बी माइनस कॉस बी LHS को ले लिए। अब 25 गुने साइन बी का वैल्यू क्या निकल गया, साइन बी का वैल्यू निकल गया आपको 4/5, साइन बी का वैल्यू क्या आ गया, 4/5, ओके। फिर इंटू फिर साइन बी का वैल्यू 4/5 डालिए, माइनस कॉस बी का वैल्यू हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट लीजिए, देखिए 5 हो गया, ओके। अब यहाँ देख लीजिए आप कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई करना था, 5 4 20 हो गया, 20 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि एक ही बार में घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर्स लाइक होगा तो ओनली न्यूमिनेटर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 4 में से 3 गया तो क्या बच गया, 4 में से 3 गया तो 1 और 1/5 हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया। अब 5 से इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 20। तो LHS में क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। LHS को अगर हम सॉल्व किए वैल्यू पुट करके तो 4 निकल गया, विच इक्वल टू, ठीक है, ये विच इक्वल टू कितना का आ गया, ये विच इक्वल टू RHS, ठीक है, RHS के इक्वल में आ गया, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। तो जो इसको हम LHS को सॉल्व किए तो क्या निकल गया, 4 आ गया, जो RHS के इक्वल में हो, ओके। तो आई होप कि आप इस सॉल्यूशन को समझ गए, थैंक यू।